दोस्तों, मक्का में एक गैर मुस्लिम माँ बेटे रहते थे जो बेहद गरीब थे। मासूम बच्चा माँ का फटा हुआ लिबास देखकर मायूस होता था। अपनी माँ के लिए लिबास मांगने अपने चाचा के पास पहुंचा, लेकिन चाचा ने उसे मारकर भगा दिया। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास लौट रहा था कि रास्ते में एक शख्स ने पूछा, बेटा क्या माजरा है? बच्चे ने अपना दर्द उस शख्स से बयान किया तो उस शख्स ने उससे कहा कि हरम में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बच्चे ने घर जाकर सारी दास्तान बयान की। माँ ने कहा कि सुना है मोहम्मद तो बड़ा जादूगर है, वो हमारा दीन धर्म छीन लेगा। लेकिन बच्चे ने वादा किया वो अपना दीन नहीं बदलेगा। और बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और अर्ज किया कि मैं और मेरी माँ यतीम है, मेरी माँ का लिबास फटा हुआ है, मैं आपसे लिबास मांगने आया हूँ। हुजूर ने उसके सिर पर हाथ रखा और अपनी चादर उसको दे दी और कहा कि कभी भी कोई जरूरत हो तो बेझिझक आ जाना। बच्चा घर पहुंचा और माँ को चादर दी तो माँ ने पूछा, क्या तुमने उसका कलमा पढ़ लिया? बेटे ने कहा, मैंने पहले ही कह दिया था मैं अपना दीन नहीं बदलूंगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, दीन न बदलो। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, बेटा अब चल हम साथ में कलमा पढ़ेंगे। तो ये है मेरे मुस्तफा की शान। तो कमेंट में एक मर्तबा या रसूल अल्लाह जरूर लिखें।